हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आपके साथ आज मैं कुछ शेयर करने जा रही हूँ। ये नेचर्स की फेशियल किट है, इसके बारे में कुछ बताते हैं आपको। ये देखिए, ये ग्लोइंग गोल्ड फेशियल किट है, काफ़ी अच्छी है। मैंने इसको यूज किया है और फिर मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ। मैंने सोचा आपके साथ ये रिव्यू इसका शेयर करती हूँ। इसकी और भी किट है और ये मैं यूज कर चुकी हूँ तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो इसके साथ मैं चाह रही हूँ कि और भी मैं जो इसकी किट है उनको भी मैं यूज करूँ, फिर आपके साथ शेयर करूँ। और मैंने ये अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी, आप चाहें तो ऑफलाइन ले सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं अमेज़ॉन से तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा इसको खोलते हैं। ये देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज करना है इसमें मेंशन है, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए और इसको यूज करना। यूज मतलब बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसको यूज करने में। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। इसको ओपन कर लें। 4-5 स्टेप बाय स्टेप इसमें मेंशन है। ये देखिए, इसमें ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें डिटेल दिया हुआ है। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है इसकी। आप इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये आप इस तरीके से ट्यूब में लेंगे ना तो अच्छे से यूज करके, क्योंकि आप ये इसमें 3 बार यूज करने का लिखा है, मैं तो सोचती हूँ कि इसको 4 बार यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईजिली आप यूज करिए, बंद करिए। और इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। इसके और भी मतलब किट हैं नेचर्स के, डायमंड है, फेस्टिवल आ रहा है तो बनता है ना ग्लोइंग स्किन। और फेस्टिवल में सभी बहुत काफ़ी बिजी हो जाते हैं शॉपिंग, घर के काम में, और पार्लर जाने का टाइम नहीं मिलता। पर्सनली मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं तो घर ही पे करती हूँ, और इसको मैं इसीलिए मैंने ये अमेज़ॉन से ऑर्डर कर ली थी कि मैं घर में यूज कर लूँगी। सबसे पहले हम ये डिटेन करेंगे। हाँ, फेस को अच्छे से प्लेन वाटर से क्लीन कर लीजिए, मैंने कर लिया है, और अब इसको यूज करेंगे। इसको पैक की तरह लगाना है। आप चाहें तो इस तरीके का मतलब ब्रश यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप फिंगर से आराम से लगा सकते हैं। हम इसको फिंगर से लगाएंगे। इसको पैक की तरह लगाना है। डिटेन तो सभी को मतलब महीने में एक बार या दो बार तो करवा ही लेना चाहिए, या घर पे मतलब लेके रख लीजिए, आप कर लीजिए घर पे। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, आप लोग करवाते हैं बाहर पार्लर में तो मतलब कितना महंगा पड़ जाता है। आप इस तरीके से आप लेके आ घर पे करिए, टाइम नहीं मिल रहा है आपको बाहर जाने का पार्लर में, तो आप इस तरीके से लेके घर पे आसानी से कर सकते हैं। इसको पैक की तरह लगाना है और 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। मुझे इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है नेचर्स का फेशियल किट। मैं इसकी और भी किट यूज करना चाहूँगी, अगर मैं यूज कर लूँगी, मंगा लूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसका रिव्यू। आप इसको लेके यूज करिए, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। शादी में जाना है, पार्टी में जाना है आपको, तो इसको 3 दिन 4 दिन पहले यूज कर लीजिए,
फिर देखिए आप कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है आप। D10 मैंने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब इसको हम 15 मिनट के लिए फेस पे ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर देखते हैं 15 मिनट के बाद। 15 मिनट हो चुके हैं, देखिए D10 हमारा अच्छे से सूख गया है। अब इसको हम, आप चाहें तो प्लेन वाटर लेके इसको हल्का सा पानी इस तरीके से लगा के इसको मसाज करिए, ठीक है। अगर आप हो सके तो आप रोज़ वाटर लगा के अच्छे से इसको हल्का मसाज करते हुए इसको हटाना है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ी देर मसाज करिए, देखिए मसाज अच्छे से हो गई है। अब इसको हम टॉवल ले लीजिए, हल्का सा पानी में डिप करिए, उसको इस तरीके से हटा दीजिए। फर्स्ट स्टेप करेंगे, ये है क्लिंजिंग स्क्रब, इसको यूज करेंगे। इसको फेस पे अप्लाई करेंगे, काफ़ी अच्छी खुशबू है यार। स्क्रब इसका बहुत ही हल्के से स्क्रब है, इसमें हार्ड नहीं है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। आपको ये फेसियल किट, आप जब फेसियल ये करेंगे ना, आपको करते करते इससे प्यार हो जाएगा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है ये। देखिए अप्लाई कर दिया मैंने ये स्क्रब। अब इसको हम, आप पानी, आप प्लेन वाटर लेना चाहते हैं तो फेस में हल्का सा लगा लीजिए या हाथ पे ले लीजिए। हम यहाँ पे रोज वाटर यूज करेंगे हल्का सा लगा के। अब इसको हल्के हाथ से मसाज करेंगे। ये स्क्रब है इसलिए आँखों से दूर रखना है इसको। इस तरीके से मसाज करनी है, नेक को भी कवर करना है। स्क्रब है इसलिए आपको हल्के हाथ से करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। 2 से 3 मिनट स्क्रब कर लेना है। इसको हम करके आते हैं, फिर स्क्रब हमारा हो चुका है। अब इसको हम वाटर से इसको अब हटा देंगे। देखिए कितनी अच्छी, मतलब एकदम क्लीन क्लीन स्किन हो गई हमारी। स्क्रब को अच्छे से हटा देंगे। सेकंड देखते हैं, सेकंड हमारा मसाज क्रीम है, इसको अप्लाई करते हैं। अब इससे हम मसाज करेंगे।
इसी तरीके से हम मसाज करेंगे। हम मसाज करके आते हैं, आपसे मिलते हैं, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, 1 घंटा लगता है फेसियल में। तो चलिए मसाज करके मसाज हमारी हो चुकी है। तो आपको इसी तरीके से मसाज करना है, ऐसे इस तरीके से। इस तरीके से आपको मसाज करनी है। चलिए इसको वॉश करते हैं। सेकंड तो हो चुका है, अब हम थर्ड देखते हैं। स्टेप करते हैं, ये जेल है। वाह, देखिए कितना ग्लो कर रहा है। इसकी भी हम हल्के हाथ से मसाज करेंगे। इस जेल को हम वाटर से नहीं हटाएंगे। जेल हमारा अच्छे से सूख गया है स्किन में। और स्टेप पैक है ये, इसको अप्लाई करेंगे। पूरे फेस पे इसको पैक को लगाएंगे। पैक हमारा लग चुका है, अब इसको हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर इसको हम वॉश करेंगे। चलिए मिलते हैं। फेस पैक हमारा ड्राई हो चुका है, 15 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम हटाएंगे फेस पैक को। हल्के हाथ से इसको इस तरीके से फेस को थोड़ा सा गीला कर लीजिए, फेस को इस तरीके से। इससे क्या होगा, आपका अच्छे से फेस पैक हट जाएगा गीला हो जाने के बाद। अच्छे से इसको इस तरीके से कर लीजिए, फेस को हम हटाते हैं। अब इसको हम प्लेन वाटर से वॉश कर लेंगे, फिर आपसे कितना क्लीन हो गया फेशियल करने के बाद
फेसियल करने के बाद आपको कोई फेस वॉश यूज नहीं करना है, धूप में नहीं जाना है, और जब यूज करें उसके पहले फेस पे कोई मेकअप नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए फिर इसको यूज करिए, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एकदम फ्रेश फ्रेश ठंडा ठंडा लग रहा है एकदम। आप भी अगर यूज करना चाहें तो मंगा सकते हैं। मैंने ये अमेजन से किट ऑर्डर की थी। पहले से इसकी कितनी अच्छी ग्लोइंग और क्लीन दिख रही है एकदम। आपको पार्टी फंक्शन या फेस्टिवल में आपको ये किट यूज करनी है तो आप मंगा सकते हैं, यूज करिए। मुझे काफ़ी अच्छी ये किट लगी है, अफोर्डेबल है, सबसे अच्छी बात है। पार्लर में जाते होंगे आप, कितना पैसा दे के आते हो वो तो आपको पता ही होगा, घर पे अच्छा फेसियल कर सकते हैं। कितना अच्छा लग रहा है, एकदम फ्रेश फ्रेश एकदम फील हो रहा है। नेचर्स की ये, इसके और भी जो किट है ना वो भी मैं यूज करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने ये इसी नेचर्स की ब्लीच भी मैंने यूज की है, आपके साथ शेयर भी की है, और इसका वीडियो आपको अगर घर पे कैसे ब्लीच करते हैं तो आप जाके देख लीजिए। आपको अगर ब्लीच करनी है नेचर्स की है कैसे यूज करनी है, आपके साथ लाइव डेमो मैंने दिया है, जाके आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी ये किट है, काफ़ी मतलब मुझे पसंद आई है बहुत ज़्यादा। और आप लोगों को ये वीडियो मेरा कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।